शुक्रिया राजीव जी, अब तो हम लोगों को जिलों की राजधानियां भी याद करनी पड़ेगी। अब ये वक्त आ गया है, बच्चे तो डर गए होंगे कि अब नया चैप्टर बताइए, इतने जिले सबकी राजधानी पढ़ो, ये समय है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी बच्चों को भी टेंशन दे रहे हैं, खुद उनकी जबान लड़खड़ा रही है, और दूसरी तरफ विपक्ष में जो इंडिया गठबंधन बना है, बीतते समय के साथ साथ वो लगातार नए नए रूपों में सामने आ रहा है। उसकी एकजुटता में कोई कमी देखने को नहीं मिली और एकजुटता बढ़ती चली गई है। ये विपक्ष के इतिहास में ऐसा नजारा देखने को नहीं मिलेगा जो 2024 में देखने को मिला है। एक बात जो इन सबसे अलग मैं कहना चाहता हूं कि जो भी आपने अभी पृष्ठभूमि रखी जी, वो ये कि इस बार के चुनाव में जो देश का बहुजन समाज है उसने अपना गोल शिफ्ट किया है। और मैंने एक दिन पहले जो लखनऊ में राहुल गांधी की सभा हुई और उसको मैं वहां मौजूद होकर देख रहा था, वहां जो लोग मौजूद थे उसमें बहुजन समाज का पूरा वो तबका जो कभी कांग्रेस को वोट नहीं करता था वो सब लोग आए हुए थे। उनका उनके रुख में ये बदलाव आया, इस रूप में उनके मन में ये बात बैठी है कि ये चुनाव एक ऐसा चुनाव है जिसमें हमें संविधान की रक्षा करनी है, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की रक्षा करनी है, और इस लड़ाई में जो बीजेपी के साथ है उसका रंग एक है, जो बीजेपी के खिलाफ है उसका रंग एक है, और दो और कोई रंग नहीं है। और इस हिसाब से उन्होंने गोल शिफ्ट किया, लेकिन एक उनकी बातों में एक चेतावनी भी थी कि आज जो हम अपेक्षा आज की सरकार से कर रहे हैं, जो जुल्म ये दलितों पिछड़ों के साथ कर रहे हैं और खासकर दलितों के साथ, वो जुल्म के खिलाफ हम वोट करेंगे, लेकिन हम इंडिया गठबंधन को भी आगाह करते हैं कि आपकी सरकार को भी हम कसौटी पर कसेंगे। अगर आपने भी दलितों के लिए और बहुजन के लिए अगर काम नहीं किया तो हम आपको भी इससे दुगनी ताकत से आपका विरोध करेंगे। इस चेतावनी के साथ ये समर्थन आया है, बहुत जागरूक समर्थन हम बोलेंगे। देश की जनता अगर इतना जागरूक होकर पॉलिटिकल अपना एफिलिएशन या संबद्धता बना रही है वोट के टर्म्स में, तो ये एक बहुत बड़ी घटना है देश में। और ये जागरूकता आई कैसे है? ये जागरूकता निश्चित रूप से विपक्ष के संघर्ष से आई है, और उस संघर्ष का नेतृत्व राहुल गांधी ने किया है। कोई यूं ही राहुल गांधी से की सभा में चले आए, उन्होंने उपस्थित लोगों ने बहुत तरह के सवाल राहुल गांधी से किए के, और सबके जवाब उन्होंने दिए। उसी में से वो जवाब भी था कि आपको चुनौती दी जा रही है बहस की, तो आप नरेंद्र मोदी से चुनौती क्यों नहीं बहस की स्वीकार करते? और राहुल गांधी ने तुरंत जवाब दिया, मैं तो तैयार हूं जी। पूछना है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछिए, वो नहीं तैयार होंगे इसका हमें पूरा विश्वास है। और आप अभी आप चर्चा कर रहे थे कि उन्होंने चिट्ठी भी लिख दी है और मांग की है कि इस बहस की आप व्यवस्था करेंगे तो मैं उपलब्ध हूं जी अपनी पार्टी की ओर से। इसके अलावा ओल्ड पेंशन स्कीम पर सरकारी कर्मचारियों ने भी सवाल पूछे और राहुल गांधी ने उनको वादा किया कि ओल्ड पेंशन स्कीम पर भी हम खुले दिल से विचार करेंगे। ये सारी चीजें जो है विपक्ष के साथ जुड़ रही हैं, राहुल गांधी के एक अटेंशन बन गए हैं जहां पर कि लोग आकर के उनके साथ अपने आप को जोड़ रहे हैं, क्योंकि वो एक आंदोलन का पर्याय बन गए हैं, नाम बन गए हैं। देश की जनता अब आजी जा चुकी है, सत्ता में बदलाव चाहती है और बदलाव में विपक्ष ला सकता है। विपक्ष में कांग्रेस और राहुल गांधी की ओर लोग टकटकी लगाकर देख रहे हैं। उस हिसाब से ये जो घटना साथ में घटी अरविंद केजरीवाल जी के बाहर आने की, जेल से बाहर आने की, उसका महत्व काफी बढ़ जाता है, क्योंकि ये एंट्रीम जमानत अरविंद केजरीवाल ने मांगी नहीं थी। अदालत ने इक्वल फील्ड सुनिश्चित करने के लिए डेमोक्रेसी में एंट्रीम जमानत दी है। ये कोई
किसी पर एहसान नहीं किया गया है, ये लोकतंत्र के लिए जरूरी था। जितना दिन आचार संहिता के लागू रहते हुए जेल में रहे अरविंद केजरीवाल, लोकतंत्र का नुकसान हुआ है, उसकी कोई भरपाई नहीं कर सकता। और इस दौरान अरविंद केजरीवाल जो कुछ भी बात, जो जिन शब्दों में उन बातों को रख रहे हैं, वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो गलत फहमियां हैं, भ्रांतियां हैं, उसको वो सामने ला रहे हैं। वो भ्रांति चाहे उत्तर प्रदेश में राजपूतों के विरोध प्रदर्शन और बेरोक टोक विरोध प्रदर्शन के रूप में हो, चाहे योगी आदित्यनाथ को हटाए जाने की आशंका के साथ हो कि अगर मोदी सरकार आई तो, इस तरह की बातों के साथ योगी ये अरविंद केजरीवाल बात रख रहे हैं, तो वो सच्चाई से परे किसी दूसरी लोग की कहानियां नहीं है। वो इसी राजनीतिक जो क्षितिज पे घट रही घटनाएं हैं उसको वो बयां कर रहे हैं कि अगर ये सरकार वापस आती है तो क्या होता है। ऐसे ये सरकार वापस नहीं आएगी, ये बात भी एक ही सांस में कही जा रही है, क्योंकि हर कोई कह रहा है, सट्टा बाजार कह रहा है, आम जनता कह रही है, विश्लेषक कह रहे हैं कि ये सरकार बहुत नीचे, 200 से कितना नीचे जाएगी सीटों में, ये देखने वाली बात है, लेकिन सत्ता से बहुत दूर है और वैकल्पिक सरकार के लिए जनता सामने खड़ी है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। अभी आप जिक्र कर रहे हैं, देखिए बहुजन समाज का की जो अभिव्यक्ति सामने आ रही है, बहुजन समाज इस पूरे भारतीय समाज का एक अभिन्न हिस्सा है, और वो अभिव्यक्ति युवाओं से अलग नहीं है, महिलाओं से अलग नहीं है, पूरे समाज में एक बेचैनी का प्रकटीकरण है। वो बहुजन समाज में आई चेतना को वो व्यक्त करता है, परिवर्तन की चाहत को बुलंद करता है। और इसी से आप उस सवाल को भी लीजिए जो आप सोच रहे हैं कि युवा कैसा सोचते हैं या महिलाओं में क्या रुख है। जी, इस पूरे मोदी रिजीम में आप देखेंगे युवाओं को लेकर ही सपने बुने गए थे, और युवा ही आज सबसे ज्यादा हताश महसूस कर रहे हैं। और बीते कुछ सालों में, 10 साल में देखा जाए तो बीते 3-4 सालों में सबसे ज्यादा सड़क पर उतरे हुए लोग युवा ही रहे। कभी अग्निवीर के विरोध में प्रदर्शन करते दिखे, कभी पेपर लीक के कारण प्रदर्शन करते दिखे, कभी उत्तर प्रदेश में तो बहुत तरह की परीक्षाएं हुई और वो परीक्षा, उन परीक्षाओं में लीक भी हुए, उसके लिए भी विरोध हुआ, कई रिजल्ट्स रोके गए उसके लिए विरोध हुआ, नियुक्तियां नहीं लागू की गई उसके लिए विरोध हुआ, नियुक्तियों में आरक्षण का सवाल अधूरा रहा उसके लिए विरोध हुआ। उत्तर प्रदेश में तो खास करके बहुत ज्यादा युवाओं में विरोध दिखा, और देश के अलग अलग हिस्सों में भी ये युवाओं में आक्रोश नजर आया है। उसके बाद ये नरेंद्र मोदी के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है, उनका बहुत बड़ा वोट बैंक, और वो नए वोट बैंक जो जुड़ते हैं वो भी युवा होते हैं, तो ये उनके लिए नेगेटिव पार्ट है, यही चिंता का विषय है। पहले वो सोचते थे कि ये वोट तो आराम से उनको मिल जाते हैं, पिछले बार शहीदों की तस्वीरें दिखा करके उन्होंने इस वोट को अपने साथ जोड़ लिया था। और इस बार महिलाओं में देखें तो महिलाएं जरूर बटी हुई हैं। गांव की महिलाएं एक अलग किस्म से चीजों को देखती हैं, वो अपने किचन के हिसाब से देखती हैं, और शहर में महिलाएं जो संपन्न है उसमें कुछ हो सकता है कि उन पर फर्क नहीं पड़ता हो कि किचन कितना महंगा हुआ, लेकिन वो बहुत छोटा सा वर्ग होता है। लेकिन ज्यादा आम तौर पर देखें तो महिलाएं इस बात से बहुत परेशान है कि उनका किचन गड़बड़ा गया है, उनकी रसोई गड़बड़ा गई है। नोटबंदी के समय भी उनके हाथ से पैसे निकल गए थे, और GST वगैरह के कारण भी अप्रत्यक्ष रूप से मार झेलनी पड़ती है महिलाओं को, और गैस सिलेंडर और दूसरी तमाम चीजें तो सामने थी जी। तो महिलाओं की एक स्पष्ट नाराजगी है, वो इस हिसाब से ही जो भीड़ इस भीड़ की चर्चा कर रहे थे श्रवण गर्ग जी, के पूरे देश में एक समान रूप से विपक्ष के की सभा में भीड़ उमड़ रही है, और वो हमें उन दिनों की याद दिला रही जो तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के दौरान हुआ करती थी भीड़, वो उस दृश्य को याद दिला रही है। तो क्या वो तेलंगाना वाली भीड़ पूरे देश में इस किस्म से फैल गई है जो इसको कि लोग माप नहीं पा रहे हैं, आंक नहीं पा रहे हैं,
क्योंकि आपको याद होगा तेलंगाना में भी देश की कोई भी मीडिया, कोई भी सर्वे ये नहीं कह रहे थे, आखिरी वक्त आने के समय की बात छोड़ दें, लास्ट समय में कुछ मीडिया का सुर बदला था, लेकिन शुरुआती दौर में कोई नहीं मानने को तैयार था कि कांग्रेस पार्टी मुकाबले में भी है। वो तो तीन कोना का संघर्ष दिखाते थे, अब तीन कोना था भी नहीं, दिखा भी नहीं, और उसको ओवैसी फैक्टर निकालते थे, क्या क्या नहीं निकालते थे, लेकिन उल्टा नतीजा आया वहां तेलंगाना में, सबको चौंकाने वाला नतीजा आया। वही तेलंगाना का नतीजा जो चौंकाता है, वो चौंकाने वाला फैक्टर 2024 में भी दिखेगा, क्योंकि मुझे लक्षण साफ साफ एकदम सिमिलर पैटर्न में दिख रहे हैं। इसके अलावा एक बात मैं और बोलना चाहता हूँ, श्रवण गर्ग जी की टिप्पणी पर मैं थोड़ा सा डिफरेंट राय रखता हूँ। वो ये कि जैसे अरविंद केजरीवाल, वो राहुल गांधी का नाम ले रहे हैं या नहीं ले रहे, उनकी एक अलग अलग किस्म से रणनीतियां होती है गठबंधन के भीतर भी, और गठबंधन का एक छोटा गोल भी होता है, एक बड़ा गोल भी होता है। आप देखेंगे कुछ समय पहले एक थी कांग्रेस भी बोला जा रहा था पंजाब में, बंगाल में 42 सीट से ज्यादा कांग्रेस नहीं जीतेगी, ये बात भी ममता बनर्जी बोल रही थी। इस तरह के वॉइसेस जो एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, चूंकि आम आदमी पार्टी पंजाब में जाएगी, लड़ेगी कांग्रेस से, तो इस वजह से भी एहतियातन वो राहुल गांधी का नाम नहीं ले सकते। भाई इस चीज को अगर समझा जाए तो जरूर हमें ये देखना चाहिए कि गठबंधन के घटक दल जो हैं, वो घटक दल वास्तव में इंडिया गठबंधन का नाम ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। तो कोई पार्टी नहीं है, इवन ममता बनर्जी को भी बोलना पड़ता है कि इंडिया गठबंधन के साथ हम हैं। इंडिया गठबंधन के साथ होने का मतलब आप कांग्रेस के लीडरशिप को मान रहे हैं, क्योंकि पूरे इंडिया गठबंधन को आज लीडरशिप कांग्रेस देने का काम कर रहा है। बहुत सारी बातें बोली नहीं जाती हैं, क्योंकि चुनाव में सबके हित होते हैं, तो उस हिसाब से ये चीजें होती हैं। तो मेरा उसमें यही पॉइंट है, इसको इस रूप मान लीजिए, कोई बात 5 साल बाद सही होगी कि अरविंद केजरीवाल जी गठबंधन से हट जाएंगे, 3 साल बाद सही होगी, तो उसका बहुत मतलब नहीं है। आज आने वाले कुछ समय में इस गठबंधन से बदलावकारी जो राजनीति है उसमें क्या फर्क पड़ रहा है, उसमें योगदान है कि नहीं अरविंद केजरीवाल का, उसमें योगदान है कि नहीं तेजस्वी यादव का, ममता बनर्जी का या दूसरे घटक दल का, यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल के बाहर आने के बाद पूरे इंडिया गठबंधन को मजबूती मिल रही है, और इंडिया गठबंधन को पूरे देश में इसका फायदा मिलेगा। जी जी ठीक है, सबके अपने